So day two of the adventures of Ladakh was also very adventurous. हमारा जो कॉल टाइम था दैट वॉज वेरी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, और हम लोगों ने ये कॉल टाइम अर्ली इसलिए रखा था बिकॉज हमें जॉर्जिला पास क्रॉस करना था. नाउ इमेजिन आप एक बड़े मोटर होम के साथ, जिसके साथ एक फूड ट्रक है, एक बैकअप व्हीकल है, ये पूरा फ्लीट लेके अगर निकल रहे हैं, इट्स ऑलरेडी गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रैफिक. और जॉर्जिला पास में स्पेसिफिकली हम नहीं चाहते थे बिकॉज वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो हम नहीं चाहते थे कि इस जगह पे हम लोग फंस जाएं ट्रैफिक में. तो टीम ने डिसीजन लिया कि सुबह सुबह हम जल्दी ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे सो दैट हम ट्रैफिक जो है वो बाईपास कर सके एंड जल्दी पहुंच जाए. नाउ लकी फॉर अस हमारा जो मोटर होम है हार्टफुल, उसमें हमें जो इशू था वो वन नाइट बिफोर दैट ही पता लग गया. बिकॉज अगर यही सेम ब्रेकडाउन दिस ये अगर आया होता जब हम जॉर्जिला पास पे थे, तो वहां से वापस जाने का आई डोंट थिंक कोई भी रास्ता होता. हमें एक पूरा दिन जो है वेस्ट करना पड़ता. सो अगेन लकी फॉर अस दैट हैपेंड. हमने सब कुछ चेक किया, रेक्टिफाई किया. जिस टाइम हमारे एडवेंचर लवर्स अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उस टाइम जो टीम थी ऑन बोर्ड, दे वर मेकिंग श्योर दैट हम जो स्पेस है उसको एज इज छोड़ के जाए, अपनी सारी चीज़ें रैप अप करे. देर इज़ नो मेस, देर इज़ नो लिटर एनीवेयर. आफ्टर द ब्रेकफास्ट वी लेफ्ट. तीनों जो हमारी फ्लीट्स हैं दे वर रनिंग टुगेदर. सडनली एट दैट टाइम हमें वॉकी पे कॉल आया फ्रॉम टीम फूड ट्रक स्टेटिंग कि देयर इज सम काइंड ऑफ ब्रेकडाउन दैट हैज हैपेंड. सो वी हैव हैड अ ब्रेकडाउन. ये दूसरी रखो ना इन द फूड ट्रक. जाते चलाता हूं, जाते चलते है. We knew कि इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, so we asked team Harper to just get a go. और वो लोग निकल चुके थे क्योंकि वो बड़ी मोटर होम है तो उसमें टाइम लग सकता है आगे पहुंचने में. Meanwhile जो बैकअप व्हीकल थी, हम लोग पूरे जो बैकअप के टीम मेंबर्स थे वो वापस आए और फूड ट्रक को हमने बैकअप प्रोवाइड करा. जो भी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड थे टू प्रोवाइड द रेजोल्यूशन टू फूड ट्रक, वो टीम बैकअप ने पहुंचते ही उनको हैंड ओवर किए. इशू काफी छोटा था, इट वॉज जस्ट अ बेल्ट दैट गॉट ब्रोकन. तो वो हम मल्टीपल रिप्लेसमेंट्स कैरी करके चल ही रहे थे दैट वी हैंडेड देम ओवर. टूल्स वगैरह हमने उनको हैंड ओवर किए और हम वापस निकले टुवर्ड्स हार्पर, क्योंकि हार्पर को ज़्यादा अटेंशन चाहिए था उस दिन. बिकॉज एज आई सेड ट्रैफिक बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे और उस ट्रैफिक में एक बड़ी गाड़ी के फंसने का जो चांस है दैट इज़ मोर. ऑन अदर हैंड अगेन बैकअप होने का एक फ़ायदा होता है कि आप टू एंड फ्रो मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं. आपके किसी भी फ्लीट में कुछ इशू आता है, एरर आता है, तो अ स्मॉल व्हीकल कैन रीच यू फास्टर. नाउ रोड्स वर वेरी वेरी गुड बट इन सम एरियाज, क्योंकि एक पूरा न्यू जो कंस्ट्रक्शन है रोड का वो चल रहा है. एक प्रोजेक्ट है जो आई थिंक होपफुली बाय 2025 लॉन्च हो जाएगा, जिसके बाद जॉर्जिला पास की भी जो रोड कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी. सो स्टार्टिंग में तो हमें रोड काफ़ी अच्छा मिला बट आगे जाते जाते इट वॉज अ वेरी अनपेव्ड रोड, जिसकी वजह से हमारी जर्नी थोड़ी सी स्लो हो गई. तो वैसे भी शनिवार है, जय शनि महाराज की, जय शनि महाराज की, जय बाबे की, जय बाबे की, जय बाबे की. आज तो हमारा नुआ निकाल दे, ठीक है. मंगलवार को दोनों भाइयों को थारे चढ़ा चढ़ा देंगे. यहाँ की याद आ जाता है एक बात तो. इस बार तो भैया मैं फुल्ली प्रेप्ड आई हूँ, नेटवर्क नहीं भी है तो हनुमान चालीसा शिव जी के ये वो सब डाउनलोडेड है. यहाँ पे आप देखेंगे हमारी टीम ने रुक के थोड़ा सा एंजॉय किया, क्योंकि ये फर्स्ट आईसी टॉप्स थे जो हम लोगों ने देखे. सो बेसिकली पहली बर्फ जो हम लोगों ने देखी उस ट्रिप की, वो एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोग रुके, एंजॉयड अ लिटिल बिट, और उसके बाद वापसी हम लोग निकलते हैं जॉर्जिला के लिए. Thank you.
औजला पास पहुंच के हम लोगों ने थोड़ी देर व्यूज एंजॉय किए। मेनवाइल जो टीम है वो फ्रेश वाटर टैंक्स, वाटर जो फूड ट्रक में रिक्वायर्ड है वो सारे टैंक्स रिफिल कर रही थी। और हम लोग इसे कहते हैं बीइंग वोकल फॉर लोकल, सो दैट हम लोग उनसे कोई चीज ले, उनको बिजनेस दे, बिकॉज उस स्टॉप पे आई डोंट थिंक इतना बिजनेस रहता होगा। सो इट्स ऑलवेज गुड टू एड अप टू दैट बिजनेस ऑफ द लोकल्स। सो गाइज, वी हैव फाइनली क्रॉस्ड Zorjala. The caravans are right there on that side. The caravan, the food truck has already left. The backup is there as well. We are refilling the water and the view in front of me is this. I think there are some adventure sports activities going on there. Motor skiing or something. And I am finally having my brekkie. So today we had, open this, it's the ready to go poha. This is aloo paratha and this has our dried fruits that we have readied for each and every individual for each and every day. So first brekkie day for the adventures of Ladakh is here and now I'll enjoy the meal. उसके बाद वहाँ से हमने जर्नी कंटिन्यू करी टुवर्ड्स कारगिल, बट आई वुड लाइक टू ऐड कि हमारा जल्दी उठना, जल्दी निकलना वॉज रियली सक्सेसफुल, क्योंकि बाय द टाइम हम वहाँ पहुँचे वहाँ पे भीड़ नहीं थी, वहाँ पे एन नंबर ऑफ गाड़ियाँ नहीं थी। हम लोग शायद स्टार्टिंग के कुछ लोगों में से थे जो सुबह सुबह उस लोकेशन पे आए, तो हमने इंजॉय किया थोड़ी देर। सामने हिल पे मोटर एक्टिविटीज चल रही थी, एडवेंचर एक्टिविटीज चल रही थी, बट हम लोगों के पास टाइम नहीं था वो करने का, बिकॉज अगेन ये आइटिनररी क्यूरेटेड थी एज पर क्लाइंट्स स्पेसिफिकेशन। तो हम लोगों ने जो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटा प्लान था, जिसमें हमने उन्हें पहले ही कहा था कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गो 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 प्लान, बट टाइम का काफी क्रंच था, तो हम लोगों ने उनके अकॉर्डिंग इस प्लान को रखा था, बिकॉज ऑफ विच हमें आज का जो हमारा टारगेट था डे टू का, दैट वॉज टू रीच कारगिल और उसके बाद भी हमें आगे जर्नी कंटिन्यू करनी थी। Zorjala से कारगिल का जो जर्नी है, ऑनेस्टली हम लोगों को इतना लंबा नहीं लगा, बिकॉज मे बी वी वर एंजॉइंग इट और मे बी इट वॉज अ शॉर्टर डिस्टेंस ओनली। कारगिल पहुंचते ही सबसे पहला जो हमने प्लेस विजिट किया, दैट वाज द कारगिल वॉर मेमोरियल। कैरावान को हमने पार्क किया नियर बाय और मेमोरियल में हम लोगों ने विजिट किया। पहुंचते ही देयर वर सम पैसेंजर्स ऑन बोर्ड दैट गॉट वेरी इमोशनल, बिकॉज दे हैड फैमिली मेंबर्स जो कि एक्स आर्मी पर्सनल थे, सो मे बी इट टच्ड दैट नर्व। मेमोरियल विजिट करने के बाद हम लोगों ने अपना जो लंच स्पॉट है उसकी तरफ जर्नी रिट्रेस करी। जो लंच स्पॉट था हमारा, दैट वाज सो आइसोलेटेड कि फूड ट्रक के पहुंचने के बाद मोटर होम और बैकअप, हापर और बैकअप दोनों को वो जगह ढूंढने में कितनी बार टू एंड फ्रो करना पड़ा। बैकअप तो लाइक आज हम लोगों को तो पता ही नहीं चल पा रहा था कि एक्चुअल में पार्क्ड कहाँ है, और बाद में जाके हम लोगों ने देखा वो इतना नीचे बिल्कुल आइसोलेटेड स्पेस में पार्क कर रखा था, जहाँ पे अगर कोई और नॉर्मल व्हीकल होती तो ये सब पॉसिबल ही नहीं हो पाता, लोग इस लोकेशन को डिस्कार्ड कर देते। सो गाइस, वी आर ऑन डे टू ऑफ द ट्रिप, स्टार्टेड द जर्नी अ बिट लेट, बट नाउ द लोकेशन वेयर वी आर एट राइट नाउ इज रियली रियली ब्यूटीफुल। यू कैन सी हार्पर बिहाइंड मी, द फूड ट्रक इज राइट बिहाइंड हार्पर एंड वी हैव दिस रियली प्रिटी बेल्ट ऑफ स्ट्रीम flowing through. So the team, the rest of the members are having their meal cooked in the food truck
So what happened actually was we traveled through this pass twice and we did not see them because this is, I'll show you, actually not on the road. So behind me is the camper. I'm far, far away from the road. That's the road. And that is the camper, the food truck, the fleet. इस जगह पे तो ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना रेस्टोरेंट है, ना होटल है, तो यहाँ तो कुछ करने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है. बट आज लकी फॉर आज कि हमारे पास हमारा फूड ट्रक था, हमारे पास हमारा मोटर होम था, वी हैड ऑल दी कैंपिंग चेयर्स एंड इक्विपमेंट्स, और पानी हम लोगों ने फ्रेशली भरा था फ्रॉम जॉर्जिला टॉप, तो हमारे पास सब कुछ प्रेप करने का वहाँ पे प्रोविजन था. उसके बाद लंच जब तक सर्व हो रहा था, जब तक बाकी टीम मेम्बर्स लंच खा रहे थे, जो हमारी टीम है दे वर डूइंग सम fun activities, stone balancing, this and that, और काफी मजेदार था वहां का भी जो एक छोटा सा स्टे था. पोस्ट लंच हम लोगों ने सब कुछ रैप अप किया, दी इक्विपमेंट्स, दी कैंपिंग चेयर्स एट्सेट्रा, और हम लोगों ने ट्रैवल स्टार्ट किया अपना टूवर्ड्स दी हॉल्टिंग डेस्टिनेशन ऑफ डे टू. अब क्योंकि सारी ही जगह पे कंस्ट्रक्शन इतना चल रहा था, तो इट वॉज नॉट वायबल फॉर अस कि हम एक पार्किंग स्पॉट जो है उसको फिक्स करके रखे एडवांस में और वो हमें वैसे का वैसा मिले, उसकी कोई सर्टिनिटी ही नहीं थी. तो लंच के बाद सबसे बड़ी जो ड्यूटी थी, दैट वाज बैकअप्स ड्यूटी, कि हम टाइमली निकलें और आगे जाके कौन सा हमारा पार्किंग स्पॉट होगा आज का, उसको फाइनलाइज करके जो बाकी की फ्लीट है उनको वहां पे बुलाएं. There was definitely something in the rajma rice we ate because on our way to Mulbeck, we all were so dizzy, as you can tell by my face, and we were trying to find a location that was good enough. The views were great, but none of those locations had an access to this kind of greenery. But we finally found one. And the kind gentleman, he said that we can stay here for weeks if we want to. Really happy that people like him still exist. So he was just passing by and someone told me he's the owner of this land. Someone told us, and like we talked to him and asked if we can station our vehicles here. And he said yes, without any charge or without anything commercial. So that's about the hospitality that you're going to get here. On another note, I'm completely whacked out. This is the location. So we have the mountains. Now the mountains are starting to look more like the moonland kind of mountains. And on the other side, we have this green, green view. Things we have to do to find a perfect place and to make a perfect place. यहाँ रख जाएगा फूड ट्रक, खाली जगह पे बैठर है, फूड ट्रक खाली पे बैठर है, टेबल वेबल सब उसकी होती है ना. The person who owned that piece of land was very, very hospitable. उन्होंने हमें कहा कि हम एक हफ्ते के लिए भी चाहें तो यूज कर सकते हैं. And इसके बाद it was our duty to make sure कि हम कुछ भी चीज वहाँ पे खराब ना करें, किसी भी चीज को ऐसा ना छोड़े कि हमारे बाद कोई पर्सन आए तो उनको वो जगह पार्क करने की ना मिले. And guys, always be cautious and make sure कि आप लोग भी ये प्रैक्टिस में लेके आए, जिस लोकेशन पे जाए उसको वैसे का वैसा छोड़ें.
ऐसे ही पीछे ले जाओ बस, ऐसे ही। हाँ बस फूड ट्रक के फ्रंट और आपके बैक में थोड़ा सा स्पेस बना के रखना कि पैदल जा सके। पार्क करते करते हम लोगों को ऑलमोस्ट सनडाउन हो गया था सब कुछ सेट करते करते, सो वी स्टार्टेड द डिनर प्रेप। क्या है फिर भैया मेन्यू में? मेन्यू में मटर पनीर, चिकन करी और जीरा आलू। सैलेड? सैलेड है, रायता है, रोटी है, राइस है। वेट कर रहे हैं हम लोग, भूख लगी है हमें बहुत तेज। मुझे भी पर्सनली अपने हैंड्स ऑन जो है वो करने का मौका मिला इन द फूड ट्रक। आई वाज क्रेविंग सैलेड जो मैं ही बना सकती थी वहाँ पे, सो आई सेड कि आई नीड टू गेट इट टू द फूड ट्रक, और मैंने अपना जो सैलेड था आई प्रिपेयर्ड इट माई सेल्फ। मीनवाइल हम लोगों ने जो स्टेज है वो ओपन किया बिकॉज द पैसेंजर्स ऑन बोर्ड वॉन्टेड टू सिट आउटसाइड, वो चाहते थे कि बाहर वो बैठे लेकिन अंदर जो टी वी था वो भी वो देख सके। वी हैव द फाइनल्स गोइंग ऑन हियर एंड ऑन द अदर साइड वी हैव द बेड, द टेबल एक्चुअली बीइंग कन्वर्टेड इनटू ए नो टेबल एरिया सो दैट वी कैन एक्चुअली ड्रॉप डाउन द स्टेज। सो दैट्स वेयर द टेबल गोज। So because of the plus point we have in Harper, a drop-down stage, हम लोग India versus South Africa का जो finals है, which I need to remind you, India won by 7 runs, हम लोगों ने वहाँ पे देखा। द मैच वॉज वेरी वेरी नेल बाइटर काइंड ऑफ मैच, लेकिन हम लोग वो देखते देखते सारी चीजें प्रेप करते करते डिनर कर रहे थे अपना, और उसके बाद वी स्पेंड द नाइट देयर। उस दिन से बेसिकली जो ऑल्टीट्यूड था वो थोड़ा थोड़ा हिट करना चालू हो गया था। सम पीपल वर कंप्लेनिंग कि उनको हेडेक हो रहा था, एंड गाइस दिस इज द रीजन कि हम लोग धीरे पेस पे चलते हैं सो दैट हम धीरे धीरे वो जो हाइट है वो गेन करें, और दैट रिजल्ट्स इन नॉट हैविंग एनीथिंग रिलेटेड टू द AMS, वो ऑल्टीट्यूड जो है वो आपको स्ट्राइक नहीं करेगा। After spending a cozy night there, हम लोग ready थे to retrace our journey for the next day, जो कि हमारा travel था towards Leh, जिससे पहले हमने काफ़ी और places visit करी।